अगर आप थंबनेल और टाइटल को देख कर आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देख ले, उसके बाद आप डिसाइड करना कि वीडियो को लाइक करना है या फिर डिसलाइक करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला हूँ। क्योंकि गाइस कल का लौंडा ने सौरव जोशी के भाई को रोस्ट करते हुए बोला है कि उसका भाई आजकल बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो गया है। तो एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप कल का लौंडा के फैन है ना, तो सबसे पहले उनके वीडियो पर जाओ और उसके बाद उसके ओल्ड वीडियो को देखो, उसके बाद आपको BLS LLS जो भी है BC MC जितना भी गाली है वो सारा गाली आपको उसके वीडियो पर मिल जाएगा। अब उसके बाद बोलना कि बदतमीजी कौन कर रहा है, कौन सिखा रहा है, किसको सिखा रहा है, एक बात बताए, बच्चे लोग जो है मोबाइल फोन पर वीडियो देखते हैं, जब तुम वीडियो ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो तो बच्चे क्या सीखेंगे, तुम क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो? अभी तुम सिर्फ अपने चैनल पर व्यूज लाने के लिए ही ऐसा वीडियो बना रहे हो। एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, देखिए सौरव जोशी जो है अपने फैमिली के वीडियो को अपलोड कर रहा है, ठीक है, वो फैमिली में जैसा रह रहा है रियल वही चीज को प्रेजेंट कर रहा है और वो इंटरेस्टिंग लग रहा है लोगों को, जिस वजह से लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके चैनल को। तो गाइस ऐसा है कि इंडिया में जब भी कोई आगे बढ़ता है तो चार लोग जो है उनके पैर को खींचने के लिए तैयार रहते हैं, उनमें से है कल का लौंडा वाला चैनल। वो सिर्फ बोलेगा कि यहाँ मैं सिर्फ सिखाने को कोशिश कर रहा हूँ, सिखाना उसे चाहिए था। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बच्चे अगर रिप्लाई करना नहीं सीखेंगे तो आगे चल के अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आज के जमाने में अगर कोई बच्चा रिप्लाई नहीं करता है, भोंदू जैसा रहता है, तो उसे भोंदू कहा जाता है। अगर वो बच्चा रिप्लाई कर रहा है तो आगे चलकर वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, और कोई अगर उसे कुछ बोलेगा तो वो रिप्लाई जरूर करेगा। तो ऐसे बच्चों को बड़ा करना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सौरव जोशी की फैमिली में बड़े लोग बहुत है, उस लोग सिखाने के लिए है, तो तुम कौन होते हो उनको सिखाने वाले? और यहाँ पर अगर मैंने थंबनेल और टाइटल ऐसा नहीं रखा होता तो आप नहीं आते, और आपको पता ही नहीं चलता कि कल का लौंडा जो अपने वीडियो पर ऐसा बोल रहा है क्या उसका मोटिव है। मोटिव यही है कि बस उसको व्यूज मिलना चाहिए, 2 लाख का रियल टाइम व्यूज तो मिल गया, अब वो बहुत खुश है, इसलिए थैंक यू वाला वीडियो अपलोड करते हुए बोला कि बहुत सारे लोग जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया में हर धर्म जाति और हर तरह के सोच वाले लोग रहते हैं, ठीक है, अगर किसी को ये चीज़ पसंद है तो किसी और को वो चीज़ पसंद नहीं होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर कोई बोलता है कि ये बंदा ऐसा कर रहा है तो चार लोग उसमें बोलेंगे कि हाँ वो बंदा सही बोल रहा है, और चार लोग बोलेंगे कि नहीं वो बंदा सही नहीं बोल रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर लोगों का सोच अलग अलग तरीके का होता है, तो पहले सोचो कि जो चैनल वो बता रहा है क्या वो चैनल खुद उस चीज़ को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। उसका पुराना वीडियो जाकर आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उसके चैनल पर इतना गंद मचा हुआ है कि क्या ही बोले। अभी रिसेंटली ही भी एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें कैरी मिनाटी के साथ सौरव जोशी को कंपेयर किया है, और उसमें बोला है कि मैं कंपेयर नहीं करना चाहता। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक माइंड गेम है, ठीक है, अगर आप किसी के बारे में बोलना चाहते हैं ना तो आप सीधा सिंपली बोलो कि मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता लेकिन मैं उसके साथ कंपेयर कर लूंगा। आप समझ सकते हैं ना, ये साइकोलॉजी है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सौरव जोशी को बुरा लगता है, उसने आज अपने ब्लॉग में एक चीज़ बात बोला है कि भाई ने इतना बोला है कि लोग मेरे ऊपर नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी एक चीज़ कहता है कि अगर कोई आपको या किसी पर्सन के सामने या फिर कैमरे के सामने बोल रहा है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसका ये मतलब है कि उसे फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं उसे लगता है। एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि लोग सामने जो दिखाते हैं वो दिल में नहीं रहता है, उसे लगता है, तभी तो बोल रहा है कि हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो इस चीज़ को समझो। और इसी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वो 100 मिलियन सब्सक्राइबर हिट कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है ना, तब वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप बोलेंगे कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे सही एकदम सही चीज़ दिखाना चाहिए, एकदम सादा और सिंपल वीडियो दिखाना चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर सादा और सिंपल वीडियो कौन देखना चाहता है, आप खुद नोटिस करके देख लेना, क्योंकि यूट्यूब पर सिंपल और सादा वीडियो अगर आप अपलोड करेंगे तो कोई भी देखना नहीं चाहेगा। अगर वो इंटरेस्टिंग दे रहा है और लोग उसे फॉलो कर रहे हैं तो करने दो ना। अगर वो फॉलो करते हुए अगर उनका सब्सक्राइबर 100 मिलियन पहुंचता है तो एक पहला बंदा बनेगा जो 100 मिलियन सब्सक्राइबर को पार करने वाला, इंडिया में अभी तक कोई भी नहीं है। अब आप बोलेंगे कि T-Series ने किया है 100 मिलियन, तो भाई वो कंपनी है, कोई बंदा नहीं है। अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ना तो आप एक सिंपल सादा वीडियो बनाकर अपलोड करके देखो, कोई नहीं देखेगा, ज्यादा से ज्यादा 10-15 लोग आएंगे, वही लोग आएंगे जो सीधे साधे लोग रहेंगे, उसके बाद बाकी कोई नहीं देखेगा। अगर फॉलो कराना है तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करना होगा, एंटरटेन करना होगा लोगों को, तभी जाकर लोग आपको फॉलो करेंगे। हर एक वीडियो में आपको एंटरटेन करना पड़ता है, जो कि सौरव जोशी कर रहा है, जब एंटरटेन कर रहा है तो उसे करने दो, तभी जाकर तो आगे बढ़ेगा। अगर वही चीज रोक दोगे तो फिर वो कहाँ से आगे बढ़ेगा, उसका चैनल को आप फ्रीज कराने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आप बोलेंगे कि ऐसा मत करो, वो मत करो, ये मत करो, तो वही बात हो गया ना, तो सिंपल बोल रहे हो कि चैनल बंद करो और घर में बैठ जाओ।
यही बात बोल रहा है कल का लौंडा उसको कि उसके भाई को सुधारो, नहीं तो वीडियो एकदम सिंपल सादा बनाओ और उसका भाई का जो है कट करके हटा दो। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसका भाई के वजह से उसका चैनल चल रहा है। अगर उसका भाई का वजह जो वजह है वो वजह को ही हटा देगा तो उसका चैनल तो चलना बंद हो जाएगा, तो कौन देखना पसंद करेंगे? क्योंकि उसका भाई की वजह से बहुत सारे बच्चे लोग जो है उनके चैनल को फॉलो कर रहे हैं। अगर वही इंटरेस्टिंग पार्ट को हटाने के लिए बोल रहा है कल का लौंडा तो इंटरेस्ट कहाँ रहा उसके वीडियो पर? तो वही हो गया ना, उसका चैनल फ्रीज हो गया, तो वही होगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि कल का लौंडा का जो दिमाग है ना, एक बच्चे का है, बच्चे से भी बच्चे का है, बस उसको व्यूज चाहिए, पैसा चाहिए, दैट्स इट। सपोज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उससे आप सोच कर देखना, सौरव जोशी अगर कैरी मिनाटी, बीबी के वाइन और अमित बनाना जैसे चैनल को भी पीछे छोड़ कर आगे निकल गया, सबसे आगे इंडिया का नंबर वन यूट्यूबर बन गया, तो यहाँ पर जो भी इतने साल से मेहनत कर रहे हैं ना, सबको जलन होगा, थोड़ा सा होगा। हाँ देखिए, कैमरा के सामने हर कोई दिखाएगा कि यार बहुत खुशी है, तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन कहीं तक रहेगा। अब गाइस आप बताओ कि नीचे कमेंट करके जो मैंने बोला वो सही है या फिर नहीं है। अगर आपका लगता है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत है तो नीचे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू आपको सामने बताऊंगा जिससे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।